हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसे ऑनलाइन क्लास, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे होल नंबर्स। टुडे वी आर डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन। अभी इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज चेक की थी, बिल्कुल सेम अब मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ चेक की थी, ऐसे ही अब हम मल्टीप्लाई के साथ चेक करेंगे। क्लोजर दो नंबर्स है हमारे पास, ए एंड बी। टू होल नंबर्स हमारे पास ए एंड बी। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए हमारे पास। होल नंबर्स तो ये हमारे पास क्लोजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वापस देख लीजिए, क्योंकि होल नंबर्स की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी, टू नंबर्स हमारे पास होल नंबर है ए एंड बी। अगर उसका मल्टीप्लाई करें, देखिए एडिशन के साथ हम प्लस करते थे, माइनस के साथ हमने चेक की तो माइनस किया, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होल नंबर ही आया, तो वो फिर क्या होगा? क्लोजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। टू होल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, वैल्यू ऑफ ए 2 एंड वैल्यू ऑफ बी 3। अब दोनों का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 2 × 3, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 6। तो वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या हुई? 6 हुई। तो 6 भी हमारे पास क्या है? होल नंबर। सो इट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या होगा? क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब साइकिल चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, एडिशन के साथ प्लस का साइन लगाया था, सब्ट्रैक्शन के साथ माइनस का साइन, मल्टीप्लीकेशन के साथ किसका साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बी, अगर इंटरचेंज कर दें, बी को मल्टीप्लाई ए से करें, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही रहेगा। सो इट इज कम्यूटेटिव। तो एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। टू होल नंबर लेते हैं, टू होल नंबर्स 2 and 3 ले लेते हैं, 2 and 3। तो आप इसमें LHS और RHS को चेक करते हैं। 2 × 3 = 3 × 2, इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, दोनों ही इक्वल होंगे। सो इट इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम थ्री नंबर्स लेते हैं हम यहाँ पर ए कॉमा बी एंड सी, और वहां पर ग्रुपिंग करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? ग्रुपिंग। तो फिर ग्रुपिंग को इंटरचेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो चेक करते हैं। तो ग्रुपिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई के साथ करें तो ए मल्टीप्लाई बी कर लिया मैंने पहले, फिर आफ्टर दैट उसको सी से मल्टीप्लाई। फिर अगर मैं ग्रुपिंग चेंज कर दूँ, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर ए के साथ करूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे कर दें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही करते हैं। प्लस के साथ प्लस का साइन लगाए तो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन के साथ माइनस का साइन लगाए तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी, अब मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी में कोई 3 होल नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, ये हमने वैल्यूज ली। अब LHS और RHS में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS में पुट करते हैं, LHS ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, वैल्यू ऑफ ए 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बी 2 मल्टीप्लाई, चेक करते हैं 2 × 1 = 2 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, LHS में पुट करने पर 6 आ रहा है। अब RHS में पुट करते हैं,
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी की, वन मल्टीप्लाई ब्रैकेट टू मल्टीप्लाई थ्री, टू थ्री या सिक्स, वन मल्टीप्लाई टू थ्री या सिक्स, और वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स मल्टी सिक्स, तो एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या आई हमारे पास सेम, इट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो इट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नंबर्स विद मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर भी होगा, कम्युनिकेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। इसके बाद है नंबर फोर, जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के अंडर में क्या होगा, कोई होल नंबर है हमारे पास, कोई होल नंबर है फॉर एग्जाम्पल ए, अगर उसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, रिजल्ट क्या आएगा ए, या फिर वन से किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन से किसी भी होल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें, वन से करो चाहे होल नंबर को वन से करो या फिर वन को होल नंबर से करो, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा जो नंबर आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये होगी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कोई एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कोई होल नंबर हमारे पास ए इक्वल टू हम ले लेते हैं फोर, होल नंबर फोर, आप फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में किससे मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो फोर वन जो फोर कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर वन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो अभी रिजल्ट क्या आएगा फोर। तो यह है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नंबर फाइव, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, किसी होल नंबर, होल नंबर हमारे पास जैसे एनी होल नंबर ए, अगर कोई होल नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या फिर जीरो को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही केस में ऑलवेज क्या होगा जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, किसी होल नंबर को या फिर जीरो को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें या होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा ऑलवेज जीरो आएगा। तो यह है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई होल नंबर ले लेते हैं हम ए में फाइव, यह होल नंबर है फाइव, अब हम फाइव को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो, या फिर जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो। तो आपको याद रखना है डिजिट चाहे कोई भी हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, यहाँ तो होल नंबर की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हो, आप कोई भी नंबर लो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है जीरो। तो मल्टीप्लीकेटिव बाय जीरो में होल नंबर हमने फाइव लिया, फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो, या फिर जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर जीरो।